रामायण के एक प्रसंग से बात करते हैं, सुंदरकांड से। और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, शिक्षाप्रद है, आप सबको बड़ी महत्वपूर्ण शिक्षा इससे मिलेगी कि एक साथ मिलकर चलने का तरीका क्या है। तो बात यह है कि बात ये चल रही है, हनुमान जी 100 योजन समुद्र पार करके लंका गए, और लंका कितनी बड़ी थी, लंका 700 योजन की थी। 2 बार उसका चक्कर लगा दिया माता सीता की खोज में, दूसरी बार मिल गए उनको माता सीता अशोक वाटिका में। तो माता सीता को संदेश दे दिया भगवान राम का, उनका संदेश ले लिया और उनसे प्रमाण भी ले लिया कि मैं आपसे मिला था। ऐसे नहीं मनगढ़ंत बात चल रही है कि मैं जाके बोलूँगा बस बात ख़त्म हो जाएगी, प्रमाण मांग लिया कि आप प्लीज़ कुछ मुझे निशाने दे दीजिए, भगवान राम को विश्वास दिलाना है। इतनी बड़ी बात है, मतलब कैसे उनको बोलूँ कि आ जाओ लंका पे चढ़ाई कर दो, कुछ आप एक कोई निशानियाँ दे दीजिए। तो माता सीता ने चूड़ामणि अपनी निकाल के दे दी, बालों में लगाने वाली। काफ़ी सारे आभूषण गिरी गए थे उनके, एक चूड़ामणि थी, माता सीता ने चूड़ामणि निकाल के दे दी, भगवान राम की अंगूठी प्राप्त कर ली और चूड़ामणि निकाल के दे दी। अब हनुमान जी ने पूरी लंका जला के राख कर दी और वे छलांग मारी वहाँ से सीधा पहुँच गए समुद्र के वापस उस तट पे, भारत में वहाँ पहुँच गए। और अंगद आदि सारे वानरों से, जामवान जो रीछ है उनसे मिले और सारा समाचार बताया, सारे उछलना कूदना शुरू हो गए। अब सबको हो गया कि चलो भाई वापस चलो फटाफट, भगवान राम को संदेश देना है। ये सारे बड़ी तेजी के साथ जा रहे हैं वापसी, उछलते कूदते कोई रास्ते में आएगा उड़ा देंगे उसको। चलते 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 रास्ते में एक सुग्रीव का एक वन आया, बहुत ही प्रिय था उसको, बाप दादा के ज़माने से चला आ रहा था, उसका नाम था मधुवन। और बिल्कुल शहद फलों से लदा हुआ और वो अमृत के समान शहद, सारे अंगद के नेतृत्व में सारे वानर वहाँ पहुँच गए। और वानर वहाँ पहुँच गए तो उसका जो चौकीदार था उसका नाम था दधिमुख, वृद्ध सा वानर था, वरिष्ठ एक मतलब बूढ़ा सा था वानर, वो उसकी चौकीदारी किया करता था, बड़ा विश्वासपात्र था वो सुग्रीव का। तो उसने कहा ये कौन है, अंगद है, अच्छा अंगद आ गया ये, और इसके साथ में सारे वानरों की टोली है, ये जामवान है, हनुमान जी हैं, अच्छा चलो जी। सारे आए एकदम, मतलब इतने हर्ष के अंदर थे, वेग संभाले नहीं संभाल रहा था, भूख प्यास से विवल। तो क्या किया उन्होंने, स्वाभाविक रूप से पूरा मधुवन उन्होंने जो है उजाड़ना शुरू कर दिया, सारे फल तोड़ के खा गए, जितने शहद के छत्ते थे तोड़ के शहद पीना शुरू कर दिया। दधिमुख ने कहा रोको रोको भाई क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि ये सुग्रीव का, महाराज सुग्रीव का जो है ये बगीचा है, इसको तुम नहीं छू सकते और ना ही तुम इसमें घुस सकते हो, ये उनका प्राइवेट बगीचा है, भागो यहाँ से। तो इतनी बात बोली और वो गुस्से में आ गए सारे, शहद पी रखा था, शहद पीने से क्या हुआ कि नशा हो गया उनको शहद पीने के कारण, तो नशा हो गया। अब नशे में वो जो वानर है उन्होंने दधिमुख को ही नोच डाला, उसी को नाखून मारे काटे, काटा उसको दधिमुख को। दधिमुख ने कहा भाई ये तो रुकने वाले हैं नहीं, भागो यहाँ से। दधिमुख वहाँ से जान बचा के भागा, उसने सोचा कि भाई इनको मैं नहीं रोक सकता, तो जाके बात को जो है महाराज सुग्रीव के समक्ष रखता हूँ और सुनता हूँ उनसे क्या बोलना है।
क्या करना चाहिए, अपने आप देखेंगे वो। और वहाँ से निकला वो और तुरंत वायु के वेग से पहुँच गया महाराज सुग्रीव के पास। तो उसने सारा समाचार बताया कि ऐसे अंगद और सारे वानर सब वहाँ पहुँचे। अच्छा, इस पूरे प्रसंग में ये वाल्मीकि जी ने नहीं लिखा कि हनुमान जी भी ऐसा कर रहे थे, ये नहीं लिखा उन्होंने। उन्होंने जनरली बात की कि ऐसे पूरा बगीचा उड़ाड़ दिया करके। तो जब सुग्रीव को ये बात बोली तो अब सुग्रीव का क्या रिएक्शन होना चाहिए था? सुग्रीव को गुस्सा आना चाहिए था। और दधिमुख सोच रहा था कि इसको तो मृत्यु दंड ही दे देंगे महाराज सुग्रीव, अंगद को तो जान से मार देंगे, पैर नहीं रख पाएगा अब ये वहाँ पे। उसने मेरे बार बार समझाने पर, महाराज मैंने बार बार समझाया उसको, समझा नहीं, वो कितना धृष्ट बालक है ये देखो। लेकिन जब महाराज सुग्रीव ने ये बात सुनी तो सुग्रीव हर्षित हो गया। तो बड़ी हैरानी की बात है कि हर्षित कैसे हो गया। तो सुग्रीव ने कहा, ये जो वानर हैं, अगर अपने मिशन में अगर ये सफल नहीं होते तो ऐसा व्यवहार नहीं करते। ये ऐसा व्यवहार इसलिए कर रहे हैं, उसको नहीं बताया, मन में सोच रहे हैं, अपने मन में सोच रहे हैं, दधिमुख को नहीं बताया, मन में सोच रहे हैं कि ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब सफल हो गए हैं ये। तो हर्ष उल्लास के कारण ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो महाराज सुग्रीव ने बोला, चलो जो हो गया हो गया, तुम वापस जाओ और वापस जाके अंगद को बोलो कि भैया तुम्हें वो बुला रहे हैं, और तुरंत बिना रुके फौरन पहुंचो और महाराज सुग्रीव के सामने प्रस्तुत हो जाओ। दधिमुख ने प्रणाम किया और वहाँ से चलता बना वापस। जब वापस आया तो उस दौरान क्या हुआ कि जितने वानर थे उन्होंने अब वो अपना जितनी भी शहद पिया था, जितना नशा चढ़ा था उनको, वो पेशाब वेशाब आया सब बह गया, नॉर्मल हो गया वो। और जब नशा उतर गया तो सारे वानर यूँ सिर झुका के खड़े हुए थे अंगद समेत। तो दधिमुख सामने आए और दधिमुख ने ऐसे सामने आए तो अंगद समेत सभी वानरों ने उनसे बोला, हमें क्षमा कर दीजिए, हमें हमारा व्यवहार अनुचित था, आप प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। दधिमुख ने बोला, चलो जो हो गया हो गया, तुमने भैया बाग पूरा उजाड़ दिया, अब तुम एक काम करो, सुग्रीव महाराज जो हैं उनका ये आदेश है, मैं उनसे मिला था, वो कह रहे हैं बिना रुके तुरंत वापस पहुँचो किष्किंधा। तो महाराज अंगद ने इशारा किया सबको और सब उनको प्रणाम करके सिर झुका के वहाँ से निकले और तेज़ी से दौड़ रहे हैं वो वापसी जाने के लिए। उधर महाराज सुग्रीव गए भगवान राम के पास। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा है कि कोई शुभ संदेश हमें मिलने वाला है, मुझे लगता है कि माता सीता का पता चल गया। भगवान राम को थोड़ा ढाढ़स बंधाया उन्होंने लक्ष्मण जी को। तो ये प्रसंग मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्यों ये शिक्षा प्रद है, क्योंकि हम दधिमुख को ये मान के चलते हैं कि दधिमुख और अंगद जितने वानर हैं समकक्ष हैं, आयु से नहीं, ओहदे से, अपने पद से, दोनों ही तरह के लोग जो हैं महाराज सुग्रीव को सर्व कर रहे हैं। तो अगर हम ये मान लें कि ये सारे वैष्णव हैं, जो कि वैष्णव हैं ही, भगवान राम की सेवा में लगे हैं, और सुग्रीव को अगर हम वरिष्ठ वैष्णव या गुरु मान लें, तो कई बार क्या होता है कि जो हमारे साथ के जो वैष्णव हैं, कई बार उनसे कोई अनुचित व्यवहार हो जाता है।
हर्ष के कारण कई बार नए भक्त होते हैं, जोश ज़्यादा होता है, ये करते हैं वो करते हैं। जब मुझे याद है आज भी कि जब मैं भक्ति में जुड़ा था, 2001 की बात है ये, तो हम लोगों ने प्लान बनाया था कि रुक्मिणी कृष्णा प्रभु, मैं थे, हम 3-4 और लोग थे कि यूथ को प्रीच करते हैं। यूथ था नहीं, कॉन्ग्रीगेशन थी ज़्यादातर, यूथ प्रीचिंग करते हैं तो यूथ को पकड़ते हैं। तो हम लोग जगह जगह जाते थे जहाँ पे यूथ मिलता था पंजाबी बाग के आसपास, हम उनको इनवाइट करते थे अपने प्रोग्राम में। तो रास्ते में चलते चलते अगर कोई हमें कोई नौजवान लड़का दिख जाता था तो गाड़ी रोक के उसको इनवाइट करना शुरू कर देते, इतना उत्साह है। आज कर सकता हूँ, आज नहीं कर सकता ऐसा काम मैं कि कोई नौजवान लड़का दिखा, गाड़ी रोक के उसको इनवाइट कर रहे हैं, आओ भैया हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे आ जाओ, अब नहीं कर सकते। लेकिन वो जो यूथ के टाइम पे बात कुछ और, उस समय एक जोश, एक अलग चल रहा होता है उत्साह। तो कई बार क्या होता है, उस उत्साह के चलते वो भक्त जो है वो सर्विस तो करते हैं लेकिन साथ में कुछ ना कुछ उनसे गलतियाँ हो जाती हैं, होती ही हैं गलतियाँ। ऐसा नहीं कि हो सकेंगे, संभावना है नहीं, होती हैं गलतियाँ। तो उस समय क्या है कि जो के समकक्ष भक्त हैं, जो दूसरे वैष्णव हैं, जिनको थोड़ा सा अधिक अनुभव है, जिनको 3-4-5 साल हो गए, अब उनको दिख रहा है कि ये गलतियाँ कर रहे हैं ये, तो क्या उनको समझाना चाहिए? हाँ, उनको समझाना चाहिए, और एक बार समझा दो। अब वो नहीं मान रहा तो अब उससे लड़ाई झगड़ा मोल लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। अरे भैया देख तो तू गलत काम कर रहा है, और से मेरी बात नहीं मान रहा, तू बहुत बड़ा राक्षसों की तरह तेरा व्यवहार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपने एक बार बोला, उसको समझाया, नहीं समझा कोई बात नहीं, आप जाके जो वरिष्ठ वैष्णव है, गुरु हैं, उनको जाके आप सारा वृतांत बता दो। जो वरिष्ठ वैष्णव है उनको पूरा एक बड़ा उनके पास में दायरा होता है, देखने का, सोचने का तरीका होता है। जो बात सुग्रीव ने सोच ली वो दधिमुख के बस की बात नहीं है सोचना। सुग्रीव एकदम ये बात सुनते ही हर्षित हो गए मन में, क्यों अच्छा ये हो गया तो भैया वो हो गया होगा, और एक्चुअली में वो बात सही भी थी। लेकिन दधिमुख ये बात नहीं सोच सकता, उसके पास वो कैपेबिलिटी, वो क्षमता नहीं है उसके पास में सोचने की। और लेकिन आप दधिमुख का आचरण देखो, बिल्कुल परफेक्ट आचरण है। दधिमुख जो है उसने समझाने की कोशिश की, नहीं समझे, जाके महाराज सुग्रीव को एज इट इज़ जो फैक्चुअल स्टेटमेंट है वो बता दी। कोई रोना चिल्लाना नहीं, कुछ नहीं, मैं उसकी शक्ल नहीं देखूंगा जी आगे से। महाराज सुग्रीव ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम जाके उनको बोलो वापसी, मुझे रिपोर्ट करें, आके मेरे सामने आ जाए भाई। तो दधिमुख ने ये नहीं बोला मैं नहीं जाता जी उनके सामने, आप सेना दो मेरे को, मेरे साथ सेना भेजो, उनको पहले मजा चिखाऊंगा फिर बात करूंगा। नहीं, जो वरिष्ठ वैष्णव ने, जो गुरु ने जैसा आदेश दिया उस पर फिर उन्होंने अमल किया, उस पर कार्य किया, सवाल जवाब नहीं पूछे, ऐसा क्यों कह रहे हो आप, नहीं ऐसा नहीं किया। ऐसे कोई संस्था नहीं चलती, ऐसे नहीं चलती संस्था कि आप जो है वरिष्ठ वैष्णव अगर क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण दे दें ठीक है, नहीं तो ये मान के चलना चाहिए कि उनके पास नॉलेज, अनुभव ज़्यादा है उनके पास में, अगर वो कोई चीज़ बोल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के बोल रहे हैं। और फिर जब दधिमुख वापस आए तो उस समय तक उनका जोश भी ठंडा हो गया था, अंगद आदि वानरों का, तो उन सब ने देखो माफ़ी भी मांगी, उन सब ने दधिमुख को ये नहीं हो गया माफ़ी मांगने की जरूरत है चलो चलते हैं, नहीं,
उनको पता है अपने हृदय में कि हाँ हमसे गलती हो गई है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जैसे ददीमुख सामने आए उन्होंने क्षमा मांगी ददीमुख से, और ददीमुख ने उनको संदेश दिया, वो अपने चलते गए। तो ऐसे ही अगर एक मिलके चलना है तो ये प्रिंसिपल्स जो इस प्रसंग से हमें मिल रहे हैं, इन प्रिंसिपल को, सिद्धांतों को हमें अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो अबोध हैं, उत्साह है, रोकने उत्साह को कई बार चैनलाइज करने का कि इस उत्साह इतना सारा हमारे को मिल गया उत्साह अचानक, इसको अब करें क्या इस उत्साह का। तो जो अनुभवी भक्त हैं उनका एक काम होता है कि टॉलरेट करो, सहन करते रहो जो नए भक्त हैं, और अगर प्रॉब्लम हो रही है जाके सीनियर वैष्णव को बोल दो बात ख़त्म हो गई, आपकी सर्विस इतनी है। आप उनके प्रति वैमनस्य, अपने मन में उनके प्रति शत्रुता का भाव आप नहीं रख सकते। अगर शत्रुता का भाव रखा वो प्रॉब्लम है। अगर हम आराम से सिचुएशन को समझकर अगर हम इस तरह व्यवहार करेंगे कि हम नए भक्तों के जो धृष्टताएँ हैं, जो उनकी गलतियाँ हैं, ये मान कर चलेंगे, और अपने आप को भी देखना चाहिए, हमने भी हज़ारों गलतियाँ कर रखी हैं, किसी ने हमें भी सहा है। ऐसा नहीं कि हमारा एकदम परफेक्ट आचरण चल रहा था शुरू से, डे वन से, ऐसा नहीं है। हमने एक करोड़ गलतियां कर रखी हैं और भक्तों ने हमें सहा है, आज हम यहाँ पे पहुँच गए, ये बातें कर रहे हैं। ऐसे ही हमें दूसरे वैष्णवों को ये अवसर देना चाहिए। वैष्णवों के समाज में सबसे अधिक दुरुपयोग दो सिद्धांतों का होता है। दो सिद्धांत ऐसे हैं जिनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है। एक जो सिद्धांत है वो ये है युक्त वैराग्य। युक्त वैराग्य के नाम पे भक्त कई बार बहुत ऐसे कार्य कर देते हैं कि झेलना मुश्किल हो जाता है। युक्त वैराग्य के नाम पे बहुत उल्टे सीधे काम चलते हैं। और दूसरा जो सिद्धांत है जिसका बहुत अधिक दुरुपयोग होता है वो है वैष्णव अपराध का। कोई भी बात होती है, कोई छोटी से छोटी बात होती है, तो आम तौर पे जो वरिष्ठ वैष्णव है वो क्या करते हैं, गुरु नहीं करते। जो तथाकथित वैष्णव वरिष्ठ बन के कई बार क्या होता है कि आपको इतने साल हो गए करके वरिष्ठता का आपको ठप्पा लग जाता है ऊपर, वैसा अनुभव होता नहीं है, लेकिन अब 10 साल हो गए वरिष्ठ हो गए जी, चलो अब क्या करें भाई इस वरिष्ठता का। तो लोग ये कहना शुरू कर देते हैं देखो ये वरिष्ठ वैष्णव है। तो वो लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव होता नहीं पर्याप्त, तो वो लोग कोई भी अगर वैष्णव कोई बात करेगा, कोई प्रश्न पूछेगा, जिज्ञासा होगी या कोई बात हो गई किसी भी तरह की, छोटी से छोटी बात पे वैष्णव अपराध का जो वो परमाणु बम है उसके सिर पे फोड़ देते हैं, तुम वैष्णव अपराधी हो। और जो वैष्णव हैं, जो भक्त जो नए नए जुड़े हैं, उनको भी सबसे पहले अगर किसी चीज़ का पता चलता है, 4 नियम करने हैं, 16 माला का जप करना है, और वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध के बारे में पता नहीं कैसे उसके दिमाग में ये बात ठूस ठूस के डाल देते हैं कि वैष्णव अपराध, वो हर घटना को, हर व्यवहार को एक नया भक्त इतना डरा हुआ होता है कि
क्योंकि उसको वैष्णव अपराध हमेशा यही डरता रहता है कि मेरे से वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा, मेरे से वैष्णव अपराध तो नहीं होता। आज भी हमारे पास बहुत सारे भक्त आते हैं, उनका अधिकतर यही सवाल होता है कि प्रभु जी हमसे कहीं वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा। वैष्णव अपराध इतना आसानी से नहीं होता। वैष्णव अपराध करने के लिए ईर्ष्या का होना बहुत ज़रूरी है कि आपके हृदय में ईर्ष्या है, ईर्ष्या से वशीभूत होकर कर रहे हो, वो वैष्णव अपराध है। बाकी अगर कोई गलतियां हो रही है वो नॉर्मल गलतियां हैं, वो गलतियों को उसको हमें रियलाइज़ करना चाहिए। वरिष्ठ वैष्णव अगर हमें कोई मार्गदर्शन दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनका भी ये कर्तव्य है कि वो वैष्णव अपराध का जो बम है उठा के उसके हर किसी के सिर पे नहीं फोड़ना चाहिए, एवं वैष्णव अपराधी हो जी तुम, उससे सामने वाले व्यक्ति जो है वो एकदम हतोत्साहित हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हतोत्साहित हो जाता है। कुछ सेवा करने का अवसर भी आएगा, बोलेगा भाई आराम से बैठा रहता हूँ, सेवा करूँगा, कोई गलतियाँ होंगी उससे अच्छा भाई आराम से बैठा रहो, कम से कम वैष्णव अपराध तो नहीं होगा। तो सर्विस जो है, जो सेवा है, जो एक संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो रुक जाती है, वो रुक जाती है। दधिमुख ने अंगद को और सारे वानरों को समझाया मत करो, ये महाराज सुग्रीव का बहुत प्रिय जो बागीचा है, लेकिन उसने ये नहीं धमकाया कि तू तो भाई गया, अब तू जिंदा नहीं बचेगा, तूने ये कर दिया ना, अब तू देख तेरे को मजा चिकाता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं की। उसने समझाया, रोकने की कोशिश की, नहीं समझे, बात ख़त्म हो गई, जाके वहाँ बता दिया उन्होंने जो बोला वो संदेश यथावत यथारूप आके अंगद को पहुँचा दिया और अंगद ने माफ़ी भी मांग ली। तो जहाँ पर जो सीनियर डिवोटीज हैं उनका जो कर्तव्य ये है कि वैष्णव अपराध का बम ना फोड़ें, वहाँ पे जो नए भक्त हैं उनका भी कर्तव्य है कि उनको ये मान के चलना चाहिए कि हमसे गलतियाँ होती रहेंगी क्योंकि अभी हम नौ सिखियाँ हैं, हमें अभी अनुभव नहीं है, तो उसके लिए क्षमा मांगने में कोई हर्ज नहीं है, कोई उसके अंदर कोई बड़ी गलत बात नहीं है। यहूदियों के अंदर जो ज्यूज़ होते हैं, इज़राइल ज्यूज़ एक वार्षिक उत्सव मनाते हैं, पूरे साल में एक दिन ऐसा होता है, उसको बोलते हैं योम कीपुर। योम कीपुर में क्या है कि जितने भी वो अपने उनके लोग जिनको जानते हैं, जिनसे उन्होंने पूरा साल बातचीत की, व्यवहार किया, उनसे साल के एक दिन, ऐसा नहीं सिर्फ यहूदियों के अंदर, यहूदियों के बाहर, समाज के बाहर भी जिन लोगों से व्यवहार करते हैं उन सबको वो फ़ोन करेंगे, चिट्ठी लिखेंगे, मेल लिखेंगे और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि अगर भाई हमारे व्यवहार से आपको कोई परेशानी हुई हो, हम भाई आपसे क्षमा प्रार्थी हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। क्या ऐसा करने से व्यक्ति नीचा हो जाता है? बिल्कुल नीचा नहीं होता, बिल्कुल नीचा नहीं होता। और उसका मन शांत हो जाएगा, सामने वाले के हृदय में अगर कोई उसके प्रति वैमनस्य, कोई घृणा का भाव होगा, यार ये बड़ा ख़राब भक्त है, जैसे ही आप क्षमा मांगोगे वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए सिंसियरिटी, एक वो गंभीरता चाहिए होती है। आप जब बोल रहे हो, अगर आप दिल से बोल रहे हो तो सामने वाला उसको महसूस कर लेगा, उसका अनुभव कर लेगा कि हाँ यार दिल से बोल रहा है। अगर हम सिर्फ दिखाने के लिए
अगर बोलेंगे सामने वाले को, वो भी पता चल जाएगा कि ये सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा है, इसका ऐसा मंतव्य, ऐसा उद्देश्य है नहीं, इसमें वो सिंसियरिटी, वो निष्ठा नहीं है अपनी बात के प्रति। ये दोबारा ऐसे ही करेगा, ये दोबारा ऐसे ही करेगा। आप देखो, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, इन्होंने बहुत सारे लोगों को जिन्होंने अपराध किए, गलतियां की, उनको क्षमा किया, जगाई मधाई को क्षमा किया चैतन्य महाप्रभु ने, डाकुओं को नित्यानंद प्रभु ने क्षमा प्रदान की, अनेक उदाहरण है क्षमा देने के लिए। एक बात कॉमन थी सारे वृत्तांतों के अंदर, महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने जिस जिस को क्षमा प्रदान की, एक बात उन्होंने बोली सबको बार बार, देखो दोबारा गलती मत करना। ये जो हम आपको दूसरा मौका दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं भक्तों के समाज में रहने का, उसके पीछे सिर्फ एक ही हमारी आपसे अपेक्षा है कि आप ये जो गलती आपने की थी, इसको दोबारा मत कीजिएगा प्लीज़। बस इतनी बात अगर हमारे हृदय में, इसी से निष्ठा दिखाई देगी। प्रभु जी माफ़ कर दो, फिर अगले दिन वही गलती, माफ़ कर दीजिए, फिर अगले दिन वही गलती, तो फिर आपकी बात में दम नहीं है ना, निष्ठा नहीं है। निष्ठा है तो आप फिर दोबारा वैसा व्यवहार नहीं करोगे जिससे कि आपको क्षमा मांगने का आपको ज़रूरत आपको पड़ जाए, आवश्यकता खड़ी हो जाए। ऐसा काम करने की आवश्यकता क्या है? चलो हो गया, अनुभव की कमी की वजह से माफ़ी मांग ली, बात ख़त्म हो गई। और जो आपके समकक्ष भक्त हैं जिनको पीड़ा हुई थी आपके व्यवहार से, उनको भी ये चाहिए कि भाई अपने उसने माफ़ी मांगी, बात ख़त्म हो जाती है फिर वहाँ पर। फॉरगिव का वो तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक फॉरगेट नहीं किया जाता। ऐसे नहीं हो सकता कि आपने किसी को क्षमा कर दिया लेकिन अपने हृदय में उसको संजो के रख लिया कि इसने ऐसा किया था, वो फिर क्षमा ठीक क्षमा नहीं है। आपको भूलना पड़ेगा उसको। हाँ चलो हो जाती है, हमारे घर में भी हैं, घर में लोग कई कितना दिल दुखा देते हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे व्यवहार करते हैं, और हम अरे छोड़ो यार, जाने दो, साथ घर में रहना ही है इकट्ठे, ऐसे ही व्यवहार हमें भक्तों के समाज में करना पड़ेगा। कुछ अलग से कोई ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, जैसा घर में करते हैं ना, लोगों के जो हमारे परिवार के लोग हैं उनके कई गलतियों को अनदेखा कर देते हैं, बात करते हैं सोल्यूशन नहीं निकलता फिर भी अनदेखा कर देते हैं, चलो यार रहना तो साथ में ही है। यही व्यवहार हमें जो है हमें भक्तों के समाज में लेके आना पड़ेगा। भक्तों के समाज में तो हमें लगता है कि नहीं भैया, मैं आइडियल आदर्श व्यवहार करूँ ना करूँ, सामने वाले हर एक व्यक्ति को मुझसे आदर्श व्यवहार करना चाहिए, ऐसा नहीं होता, ना हुआ है पहले ना आगे जाके होगा। तो हम में से हर एक भक्त को दधिमुख की तरह सहनशील बनना पड़ेगा, सुग्रीव में, वरिष्ठ वैष्णव में, गुरु में ये श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि वो जो निर्णय लेंगे वो सबके फायदे के लिए है, उनको हमसे ज़्यादा पता है। इतनी बात लेके चलेंगे, बात ख़त्म हो जाती है फिर वहाँ पे, ये सोच के चलेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके तो यहाँ पे इसको मैं विराम देता हूँ।